इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोटर, डीसी मोटर। जो मोटर होती है वो क्या होती, मोटर जो होता है एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मिक्सर, ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, फैन एंड मैनी अदर थिंग्स, या जो हमारी वाटर समरसेबल होती है, वाटर हमारे घर में छोटी मोटर लगी होती है पानी लेने के लिए, ये सब जो होती हैं ये मोटर होती हैं, डीसी मोटर होती हैं। क्या काम होता है इनका? ये जो होती हैं ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। तो मोटर का वर्क क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना। एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। जो मोटर होती है उसके अंदर क्या क्या अप्लायंस होते हैं? इसके अंदर एक कॉइल होती है, एक मैग्नेट फील्ड होता है, स्प्लिट रिंग होती हैं और एक बैटरी होती है, और ये सारी अप्लायंसेस मिला करके एक मोटर को बनाते हैं। और हम देखते हैं मोटर क्या होती है, उसकी वर्किंग क्या होती है और कौन सी फिनोमेना वर्क करती है। फिनोमेना उसकी होती है, इट वर्क ऑन द फिनोमेना डेट व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस विद इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क। जब एक करंट कैरिंग कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करती है जिसकी वजह से वो रोटेशन प्रोड्यूस करती है। डीसी मोटर डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी डीसी मोटर एक ऐसा डिवाइस होती है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। इसके एग्जांपल मिक्सर, जो जनरल मोटर होती हैं उन्हें भी ले सकते हैं हम, जो वो पानी वाली मोटर होती है उन्हें भी ले सकते हैं हम इसमें, फैन, डायनामो एंड मैनी ऑफ। प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल वर्क करती है? प्रिंसिपल क्या प्रिंसिपल होता है इसका वर्किंग का? इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट करंट कैरिंग कॉइल placed within a magnetic field experience a torque. जब एक
करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेट फील्ड में रखी जाती है तो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करती है। वर्किंग एंड डायग्राम, अब इसका वर्किंग एंड डायग्राम देखते हैं। वर्किंग एंड डायग्राम, वर्किंग एंड द डायग्राम, वर्किंग एंड डायग्राम यहां दिखी रहा। नॉर्थ साउथ, यहां से मैगफील हमारा चुन जाएगा, यहां पर ये हमारी स्प्लिट रिंग है। ये हमारा कार्बन प्रोस, ये हमारी बैटरी प्लस माइनस, ये है हमारी की, ये हमारी कॉइल ए बी सी डी, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये हमारी एक्सिस है जिसपे हमारी कॉइल रोटेट करेगी। यहाँ पर ये हमारा ब्रश बी वन और यहाँ पर ये हमारा ब्रश बी टू, यहाँ पर ये हमारी स्प्लिट रिंग आर वन, ये रिंग आर। नाउ अब देखिए इसमें हम डायरेक्शन पता करने के लिए, टू फाइंड डायरेक्शन, हम इसे जो रूल यूज करते हैं वो होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं। वाई यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम पता लगाते हैं डायरेक्शन ऑफ और रोटेशन, और डायरेक्शन रोटेशन की डायरेक्शन रोटेट करेगी। तो ये हमारा डायग्राम है, हमारे पास क्या कहता है, एक तो मैग्नेट फील्ड, एक मैग्नेट फील्ड है, एक कॉयल है एबीसी, एक स्प्लिट रिंग है और कार्बन ब्रश है, एक बैटरी है और स्विच है। जो कॉयल एबीसी है वो करंट कैरिंग कॉयल है, करंट कैरिंग कॉयल में जब हम मैग्नेट फील्ड में रखेंगे तो इसमें रोटेशन आएगा और रोटेशन आने की वजह से हमारा अप्लायंस वर्क करेगा। तो क्या होता है, सबसे पहले वर्किंग हम देखते हैं, हमने स्विच ऑन, स्विच को क्लोज किया, सर्किट स्विच को ओपन किया, सर्किट को क्लोज किया, तो ऐसी कंडीशन में इसमें से करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, करंट हमारा फ्लो होना स्टार्ट हुआ, इस तरीके से सर्किट के अंदर करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। नाउ अप्लाइंग द फ्लेमिंग राइट लेफ्ट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाने पर हम देखते हैं डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। हम देखते हैं ए बी जो है इनवर्ट डायरेक्शन मूव करता है, इस तरीके से ए बी मूव इनवर्ट, ए बी जो है इनवर्ट डायरेक्शन में इस तरीके से रोटेशन करता है, और सी डी जो है आउटवर्ड डायरेक्शन में रोटेशन करना स्टार्ट कर देता है। वाई अप्लाइंग द फ्लेमिंग
लेफ्ट हैंड रूल, टाइमिंग लेफ्ट हैंड रूल को लगा के इस तरीके से देखते हैं रोटेशन, क्योंकि यहाँ पे दो टॉक लगती हैं, एक F1 और एक F2, दो टॉक लगती हैं क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट होती हैं, और इक्वल एंड अपोजिट टॉक जो होती हैं रोटेशन पैदा करने के लिए जरूरी होती हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स क्रिएट्स अ रोटेशन। तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगने के कारण जो ए बी था वो इनवर्ट डायरेक्शन में गया और सी डी जो था आउटवर्ड डायरेक्शन में गया, जब हमने इसे रोटेट कराया एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, तो अब इसमें रोटेशन इस तरीके से आया। अब रोटेशन होने के बाद में फर्स्ट हाफ साइकिल में हुआ ये, सेकंड हाफ साइकिल में जो सी डी था ए बी की जगह आ जाएगा और ए बी जो था सी डी की जगह आ जाएगा, देखते हैं क्या होता है। तो नॉर्थ एंड साउथ, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन हाँ। नाउ तो ए बी था ये, अब ए बी यहाँ नहीं रहा, यहाँ सी डी आ गया, जब वो 180 डिग्री रोटेट हो गया, यहाँ पर हमारा ए बी चला गया, ये हमारी एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ पर ये हमारी स्प्लिट रिंग है, ये हमारी स्प्लिट रिंग है, यहाँ पे यूं इस तरीके से ये हमारी यहाँ पे स्प्लिट रिंग लगी है, इट इज द स्प्लिट रिंग वी हैव। नाउ ये कामब्रोस बी टेक कामब्रोस, और यहाँ पर हमारा लोड लगा था, सॉरी लोड नहीं बैटरी, ये हमारी बैटरी है, बैटरी और ये हमारा स्विच है, इट इज अवर स्विच और ये हमारी बैटरी है, प्लस माइनस बैटरी और स्विच प्लस माइनस। बेटा सुन, चीखो मत, जो सुन, बेटा सुन, आवाज जा रही है, बस शांत हो। यहाँ से मैग्नेटिक लैंड क्यों गया? नाउ अब इसमें करंट रोटेट हुआ, ये हमारा बी वन था, ये हमारा बी टू था, अब यहाँ पर हमारा आर वन आ गया और यहाँ हमारा आर टू आ गया, आफ्टर 180 डिग्री रोटेशन। जब करंट इसमें अपवर्ड फ्लो हुआ, करंट मूव अपवर्ड विद इन अ कॉइल, कॉइल के अंदर करंट अपवर्ड मोशन किया और यहाँ से होते हुए करंट में इस तरह की रोटेशन आया कॉइल के अंदर। तो हम देखते हैं बाई अप्लाइंग द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जो सी डी है वो इनवर्ट डायरेक्शन जाएगा, इनवर्ट सी डी मूव इनवर्ट और वहीं ए बी मूव आउटवर्ड, आउटवर्ड। इस बार जो F2 फोर्स थी वो इनवर्ट है और जो F1 फोर्स थी वो आउटवर्ड है, और इस तरीके से इसमें रोटेशन होना स्टार्ट हुआ यूं। और रोटेशन होने के बाद में वंस अगेन जो हमारी कॉइल थी, जो ए बी था वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, ए बी जो था वहां से रोटेट हुआ ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया और सी डी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। नाउ अगेन जो करंट फ्लो हुआ, अगेन अप्लाइंग द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जो ए बी था अगेन इनवर्ट गया और इनवर्ट जाकर 180 डिग्री रोटेशन उन पर वो उस पोजीशन पे आ गया, और जो सी डी था वो ए बी पोजीशन पर आ गया, और ये एक साइकिल कंटिन्यूसली चलता रहता है, और डेट रोटेशन इज कंटिन्यू टिल द करंट इज सप्लाइंग टू इट। इसके अंदर जो फॉर्मूला वर्क करती है वही
वो उसका भी नाम हाँ है कि जब करंट फ्लो होता है एक करंट कैरिंग कॉइल के अंदर तो उसे एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करने को मिलता है। ये हमारी वर्किंग होती है डीसी मोटर की। नोट इट डाउन। नाउ अब देखिए हम इसमें पता करेंगे करंट कितना प्रोड्यूस होगा या करंट कितना देना पड़ेगा। जब इसमें करंट फ्लो हुआ तो इस बैटरी के अंदर कुछ वोल्टेज प्रोड्यूस होंगे बी। नाउ जो वोल्टेज प्रोड्यूस हुए होंगे उसने कुछ रेजिस्टेंस, जैसा हमें पता है जब कॉइल के अंदर करंट पास होता है तो ऐसी कंडीशन में एक ईएमएफ इंड्यूस होता है जो कि इंक्रीजिंग वोल्टेज को रोकता है। तो एक ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ होगा जो कि उसके अंदर इंक्रीज होने वाले वोल्टेज को स्टॉप कर रहा होगा या रोक रहा होगा। इतना बी इंटू ई। और जो करंट का फॉर्मूला होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होता है V इक्वल्स टू I। तो हमारे करंट का फॉर्मूला क्या हो गया I इक्वल टू V माइनस E अपॉन R। यहां पे हमारा V क्या है अप्लाइड वोल्टेज, अप्लाइड जो वोल्टेज हमने अप्लाइड किए अप्लाइड वोल्टेज, यहां पर EMF इंड्यूज इन अपोजिट डायरेक्शन, और यहां पर रेजिस्टेंस बाय कॉइल, ये हमारा क्या है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जो कि प्रोड्यूस हुआ कॉइल के अंदर से। आर आर इज गोइंग टू बी द करंट, हमारा आर जो है वो करंट। सो वी इक्वल्स टू हमारा क्या फॉर्म वी माइनस ई इक्वल्स टू आई आर कह सकते हैं एंड V इक्वल्स टू ई प्लस आई आर ई कह सकते हैं। और हम E के टर्म में निकालना चाहें तो V माइनस आई आर भी कह सकते हैं। नाउ इफिशियंसी अगर हमें निकालना हो इफिशियंसी, तो इफिशियंसी निकालने के लिए इफिशियंसी ऑफ मोटर के लिए हम क्या करेंगे अप्लाइड पावर और ईएमएफ इंड्यूस की वैल्यू रख करके हम अप्लाइड फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। नोट इट डाउन। और इस टाइम नोट करेंगे नीटा से पावर वन और पावर टू। पावर वन जो है आउटपुट, पावर और पी टू एच अप्लाइड पावर, पी टू एच अप्लाइड पावर। सो पी वन जो होगा हमारा वो ई आई के बराबर है और पी टू जो है वो बी आई के बराबर है। नाउ नीटा एन इक्वल्स टू ई आई अपॉन बी आई, आई से आई कैंसल, सो इफिशियंसी एन इक्वल्स टू ई अपॉन का बी, ई अपॉन बी वैल्यू में मिलती है। नाउ ई जो है E इक्वल्स टू I होता है, E इक्वल्स टू I, और I की वैल्यू हमें पता है E, E I की वैल्यू हमने निकाली I इक्वल्स टू
वी माइनस ई अपॉन का आर होता है इक्वल्स टू पावर। सो क्या होता है इससे ई बी माइनस ई अपॉन आर इंटू पावर पी। नाउ वी ई माइनस ई स्क्वायर अपॉन आर बराबर पी। अब डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड, दोनों साइड हमने डिफ्रेंशिएटिंग किया, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रेस्पेक्ट टू ई डी अपॉन डी ई, और ये वैल्यू जीरो के बराबर हो गई जब डिफ्रेंशिएशन हमने किया था। और डिफ्रेंशिएट करने पर जो हमें वैल्यू मिलती है इस आर को भीतर लेके तो वो भी जीरो हो गया, डी अपॉन डी ई बी ई माइनस ई स्क्वायर, और सॉल्व करने पर हमें मिलता है वी माइनस टू ई बराबर जीरो। सो ई की वैल्यू हो गई बी अपॉन टू के इक्विवेलेंट, बी अपॉन टू के इक्विवेलेंट हो गई। और जब हम इफिशियंसी की फॉर्मूले में, ये वाला इफिशियंसी का फॉर्मूला है, इसमें पुट करते हैं और परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां पर परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एन इक्वल्स टू ई अपॉन का बी, ई की वैल्यू थी बी अपॉन टू अपॉन बी इंटू 100% परसेंटेज बाय निकालते हैं, तो नीटा की वैल्यू बी से बी कैंसल 1 अपॉन 2 इंटू 100, और ये एन की वैल्यू आती है 50%। तो हमारी डीसी मोटर की जो एफिशिएंसी होती है वो अबाउट 50% निकल के आती है। तो एक बार हम दोबारा समझ लेते हैं हमने क्या जाना डीसी मोटर के बारे में। डीसी मोटर एक ऐसा डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। ये हमारे घरों में कई जगह पे जो होती है, जैसे मिक्सर, फैन, डायनेमो, रेफ्रिजरेटर एंड मेनी ऑफ द थिंग्स, उसमें हम इसका यूज करते हैं। इसका प्रिंसिपल जो होता है, प्रिंसिपल होता है जब एक करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेट फील्ड में रखी जाती है तो ऐसी कंडीशन में वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करती है जिसके कारण उसमें रोटेशन प्रोड्यूस होता है। हमने आपको डायग्राम बताया था, फर्स्ट हाफ साइकिल में ए बी इन्वर्ट जाती है और सी डी आउटपुट जाती है। सिमिलरली सेकेंड हाफ साइकिल में सी डी इन्वर्ट जाती है और ए बी आउटपुट जाती है, और इफिशियंसी का फॉर्मूला हमारे पास ये निकल के आया, इफिशियंसी जो मोटर जो निकली है वो 50% ऑफ द गिविंग पावर और वोल्टेज निकलती है। नाउ इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो रह गया है वो ट्रांसफॉर्मर है, जिसे हम कल करेंगे। नोट इट डाउन।